कानपुर सीसामऊ विधानसभा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इरफान सोलंकी सीसामऊ विधानसभा की सीट को जीतने के लिए लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में सीसामऊ विधानसभा से सपा प्रत्याशी इरफान सोलंकी ने ग्वालटोली क्षेत्र में अपना जनसंपर्क अभियान चलाया, जनता को अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों को भी बताया। विधायक इरफान सोलंकी ने बताया कि यह जो प्यार, जोश और उत्साह मुझे यहां की जनता के बीच देखने को मिल रहा है, यह कोई पहली बार नहीं है। यह बीते 25 सालों से मिलता आ रहा है और यह उनके लिए नया है जो यहां पहली बार आ रहे हैं और मुंह की खाकर जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि यह वही क्षेत्र है जहां कानपुर नगर निगम ने बुलडोजर चलाने का काम किया था, जुर्मी ने जुर्म किया है और अब हम मरहम लगाने आए हैं और अब यही सब लोग मिलकर बदला लेने जा रहे हैं। हम लोग ग्वालटोली में जनसंपर्क कर रहे हैं। ये क्षेत्र मेरे साथ 25 साल से जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग मेरे लिए मेरे परिवार की तरह है। ये मेरी विधानसभा नहीं, मेरा घर है और मैं आज अपने लोगों के बीच में मिलने आया हूँ। जो परम परा 25 साल से हमने डाली है, रोज लोगों से मिलना है, इसी कड़ी में आज भी आए हैं। लोगों को बताने आए हैं कि चुनाव आ चुका है और इस बार बीजेपी की चुपड़ी बातों में नहीं आना है। खैर, ऊपर वाले का एहसान है, करम है कि यहाँ के लोग ना आए हैं और ना इंशाल्लाह आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।